उधर होगा अच्छी बात है ना, इसमें आवाज नहीं आता। ये कसर से पढ़ना है आप लोगों को। यहां से जैसा बस से तशरीफ लेंगे तो एहराम खोलने तक काबे की जब तक काबे शरीफ का दीदार नेवा जब तक पढ़ना है आपको, और उसके बाद में जब हज कंप्लीट होने के बाद कसरत से जो है ना जब मदीने मुनव्वरा जाएंगे तो दुरूद शरीफ जहां से आप बस्ता शुरू करेंगे कसरत से पढ़ना है। और आप लोगों से गुजारिश है कि अभी जैसा इरफान साहब बताए कि सिम कार्ड के लिए जो है ना एयरपोर्टों पर जो है आके ठहर जा रहे लोग, सिम कार्ड नहीं चलती कहते हो फिर होटल जाने के बाद परेशान हो जा रहे, तो वो सिम कार्ड भी जो है बिल्कुल खतई ये एयरपोर्ट हो या वहां का एयरपोर्ट हो नहीं लेना। होटल में वही सिम कार्ड देने वाले हैं वहां पर, वो लोग ही वहां पर सेल कर रहे वही लीजिए, वहां पूछ सकते हैं अपन कि एयरपोर्ट पे जल्दी में रहते कुछ भी ले लेके परेशान हो जाना नहीं, सिम कार्ड नहीं चल रहा बोल रहे। और दूसरी बात आप लोग फोन ज्यादा यूज मत करिए, फोन अपन अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं तो अल्लाह के तरफ ऐ अल्लाह उनकी खिदमतों को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमारे हाजियों के हज को हज मबरूर बना दीजिए, हज मकबूल बना दीजिए, ऐ अल्लाह राह की रुकावटों को मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए, सब्र ज़ब्त के साथ तमाम मनासिक को अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, आफियत अता फरमाइए, ऐ अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाइए, ऐ अल्लाह हम सबका ऐ अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाइए, ऐ अल्लाह आफियत और इज्जत वाली रियासत बना दीजिए, ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया और मांगना चाहिए था वो भी अपने खजाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल मंजूर फरमाइए। या रब्बी सल्ली वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। सामने जो बस में आगे अंदर बैठ रहे थे वही Let's make a call.